अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू शेफ फातिमास किचन। तो व्यूवर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार सा और ज़बरदस्त सा टिक्का चिकन। तो टिक्का चिकन बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चिकन। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन कुटा हुआ, 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं लेमन जूस के, 1 पाव यहाँ पे लिया है दही। इसके मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, 1 टेबल स्पून चाहिए होगा नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने लिया है गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ली है काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा और 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पे खुश्क धनिया। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, टिक्का चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे दही। इसमें हम शामिल करेंगे चिकन को, फिर इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटा हुआ खुश्क धनिया, कुटा हुआ जीरा, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन पे छोड़ देंगे। व्यूअर्स, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, आधा घंटा हमने इसको रखा था कवर करके। अब हम इसको कुक कर लेंगे अच्छी तरह से। एक पैन में हम ऑयल को गर्म करेंगे, उसमें इसको पकने के लिए रख देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चिकन को डाल देंगे। और इसको इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है पकने के लिए रख देंगे, ढांप देंगे इसको। व्यूअर्स, चिकन हमारा अच्छे से पक रहा है, इसको हम मीडियम फ्लेम पे जो है तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए जरा कितना ज़बरदस्त सा ये पक रहा है। ये टिक्का चिकन है तो इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा बस ऑयल यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। आप भी ध्यान रखिएगा, तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून जो है इसमें बस ऑयल जाएगा। अब इसको ढांप देते हैं। 5 मिनट गुजर चुके थे तो मैंने सोचा आपको एक बार दिखा दूँ। 5 मिनट हम इसको और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो व्यूअर्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है वो भी तकरीबन रेडी है। ये देखें जरा आप, इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। एक तरफ हम कोयला गर्म होने के लिए रख देंगे, इसको थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। अगर आपको लगे कि इसका पानी जो है अभी तक खुश्क नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको खुश्क सारे को कर सकते हैं। 2 मिनट तक हम इसको इसी तरह से भूनेंगे। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से भून चुका है और इसका मौजूद सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम सेंटर में थोड़ी सी जगह बनाएंगे इस तरह से और एक छोटी सी जो है कटोरी इसमें रख देंगे इस तरह। और हमने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया था। असल जो इसका टिक्का फ्लेवर आएगा वो इस कोयले की वजह से ही आएगा। अगर आपके पास ऑयल हो या घी हो, मेरे पास इस वक्त ऑयल है तो मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी। और देखिए अच्छा से इसका धुआं बनना शुरू हो चुका है। अब हम इसको ढांप देंगे ताकि फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। 5 मिनट तक इसको इसी तरह से रहने देंगे, आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। तो व्यूअर्स, 5 मिनट इंतज़ार करते हैं। तो व्यूअर्स, 5 मिनट जो हैं वो गुजर चुके हैं। ये देखें जरा कितना जबरदस्त सा इसको फ्लेवर मिल चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और अपना जो टिक्का चिकन है इसको प्लेट में शिफ्ट करेंगे। तो व्यूवर्स, तैयार है हमारा मजेदार सा टिक्का चिकन। आपने देखा होगा कि इसकी रेसिपी कितनी आसान है और कितनी जल्दी से ये तैयार हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। व्यूवर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह किसी तरह की मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।